नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग पर कोरोना वायरस का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता के दो खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया और सोमवार 3 मई बेंगलोर के साथ होने वाले कोलकाता के मैच को भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद तब अचानक से जैसे पैनिक बटन दबा जब तीन बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्ट स्टाफ के तीन सदस्यों को कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथन, गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी और टीम के बस ड्राइवर कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। हालांकि टीम का बाकी दल जो फिलहाल दिल्ली में है की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रविवार को टेस्ट किए गए जिसके बाद रिपोर्ट सामने आई। हालांकि सीएसके के इन सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। दरअसल रविवार को किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सीएसके के तीन सदस्यों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि सोमवार को जब रिपोर्ट सामने आई तो रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए जिसमें तीनों ही सदस्य नेगेटिव पाए गए। क्या चेन्नई की टीम गलत रिपोर्ट की शिकार हुई है, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस सीजन दिल्ली के तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया के साथ ऐसा हुआ है, वो भी गलत कोरोना रिपोर्ट का शिकार हुए थे। इस मामले पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि सीएसके का कैंप गलत रिपोर्ट का शिकार हो सकता है, जैसे कि एनरिक नोकिया के साथ हुआ था। हालांकि सीएसके ने साफ किया है कि उसका कोई भी खिलाड़ी कोरोना वायरस की टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाया गया है। ऐसे में 24 घंटे के अंदर दो तरह की रिपोर्ट ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। फ्रेंचाइजी समझ नहीं पा रही है कि उसे इन रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, या फिर किसी भी निर्णय से पहुंचने से पहले उसे कई सारे टेस्ट करने की दरकार है। अब बता दें, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज बालाजी शनिवार को टीम के डगआउट में थे जब चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अंतिम गेंद पर हराया था। सुपर किंग्स इस सीजन अगला मैच 5 मई को दिल्ली में ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है। सभी खिलाड़ियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के चलते इस मैच में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैच तय समय पर ही अभी तक खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।